अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 4 सदस्य टीम बुलंदशहर के सिकंदराबाद भी पहुंची। यहां भी एनआईए ने एक घर में तलाशी अभियान चलाया। बता दें कि एनआईए नीरज पवाना, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनके कुर्गों में नकेल कसने के लिए छापेमारी कर रही है। सिकंदराबाद में टीम खुर्जा निवासी हथियारों के सौदागर कुर्बान अंसारी के रिश्तेदार यहाया पहलवान के घर भी पहुंची। करीब 1.5 घंटे तक खोजबीन करने के बाद भी टीम यहां से खाली हाथ वापस लौट गई। कहा जाता है कि कोरोना काल में हथियारों के सौदागर कुर्बान अंसारी की मौत हो चुकी है, जबकि उनका बेटा फिलहाल जेल में निरुद्ध बताया जा रहा है। पूर्व में भी एनआईए की टीम बुलंदशहर में विभिन्न स्थानों पर रेड कर लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जुहेब पहलवान। तो पहलवान जी, आज आपके यहाँ एनआईए की टीम आई थी? हाँ जी, आई है अभी। किस लिए आई थी, क्या जानकारी दे के थी? ये बताया नहीं उन्होंने, कहा हम थोड़ी चेकिंग वगैरह करना चाहते हैं आपके घर की। हमने कहा जी है कुछ, उन्हें ऐसी हमारे घर में कुछ है ही नहीं, नहीं कुछ उन्हें मिला। तो कितने घंटे तक लगभग? एक 1.5 घंटे रहे वो घर के अंदर। हाँ, अपने कुछ लेके गए आपके? नहीं कुछ नहीं, कोई कागज कोई कुछ भी कुछ नहीं, उन्होंने अपनी लिखत पलट करी बस, वो ले गए बस, खाली तलाशी ली बस, तलाशी लेके। हाँ, तो परिवार से कुछ कहा हो कोई? ना किसी से कोई बदतमीजी नहीं करी बेचारों ने। ये बताया हो किस लिए आए हैं? ना कुछ भी नहीं बताया उन्होंने ये भी हमें। 1.5 घंटा आपके यहाँ रहे? बस रहे, अपनी तलाशी वगैरह करी और लौट गए। और लौट गए।